जब भी मैं काम पे आती थी तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ आके बैठ जाती थी अपना लैपटॉप लेके, और या बच्चों से बातचीत भी करना है तो किसी दो बच्चों से अलग बात करना है, किसी स्टाफ से कुछ डिस्कस करना है तो हम यहाँ पेड़ों के नीचे आके बैठ जाते थे, हम बात करते थे. आई डोंट ट्रीट हिम लाइक माई ट्रीज और ये, इट्स लाइक माई फैमिली, लाइक माई बच्चा कह लो या मेरे बड़े कह लो, बड़े बूढ़े हैं मेरे बच्चे हैं ये सब हैं. तो वो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था मेरा इनके साथ में, तो इसलिए मैंने सोचा घर भी क्यों ना इन्हीं के बीच में फिर बनाया जाए. दिल्ली में एक चीज़ खास है कि कहीं पे भी जाओ थोड़ा ग्रीन बेल्ट तो है ही है आपके आसपास में, पर जब मैं फरीदाबाद शिफ्ट हुई बच्चों को लेके तो यहाँ ग्रीन बेल्ट थोड़ा कम होता चला गया था. जंगलों से जंगल की तरह जो आपके घने पेड़ बड़े पेड़ होते हैं वो कम है यहाँ पे, तो वो एक कमी महसूस हो रही थी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा. मेरी जो वर्क एरिया है वहाँ की भी जब ज़मीन हमने ली थी तो वहाँ पे भी एक सिंगल ट्री भी नहीं था, तो प्लांटेड ऑल द ट्रीज, तो अभी वो तो पूरा एक ग्रीन एरिया है, पूरा बेल्ट है, और उसके साथ ये भी बनने लग गया. सी आई बॉट दिस लैंड इन 2006 or 2007, सो वंस आई स्टार्ट डूइंग फार्मिंग और यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह करने लग गई तो, और उसके अलावा बहुत मैंने और जगहों पे जाके खासतौर से पहाड़ों में जाके बहुत सर्च किया था अपना रहने का, बट वहाँ पे भी वही सेम सिटी बढ़ रही है और लोग कम होते जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वहाँ भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कि वाई नॉट लिव क्लोज टू माई वर्क स्पेस. मेरा वर्क स्पेस पास में ही है बिल्कुल नेक्स्ट डोर. सिंपल एंड स्लो लाइफ करने के लिए मुझे अपने वर्क प्लेस के साथ रहना ना, देन आई डिसाइडेड टू बिल्ड द हाउस हियर. शुरू में पॉसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि इस एरिया में वैसे आर्किटेक्ट या वैसे लोग नहीं थे डिज़ाइन करने वाले इस घर को. दूसरी यहाँ पे और बहुत समस्याएं थी, लाइक टर्माइट की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे और ड्राई लैंड बहुत है, तो और ज़्यादातर लोग इंकरेज करते थे मड हाउस बना लोगी बहुत मेंटेनेंस का खर्चा होगा, बार बार रिपेयरिंग मांगेगा, तुमको बार बार उसमें करना पड़ेगा मेंटेनेंस में, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है वो सब चीज़. तो उसमें फिर मैं और पढ़ती गई और ऐसे बहुत सारे वीडियोस या लोगों से मिली जिन लोगों ने ऐसे घर में बना के रह रहे हैं. देन आई मेट अमोल, ये दीदी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए, दीदी आर्किटेक्ट के साथ में जुड़े हुए थे. हम लोग मेट्रो पे मिले ऐसे, ये यंग चैप पता नहीं कर पाएगा काम की नहीं कर पाएगा जो मैं चाहती हूँ. बट देन वी, एक दिन लगा हमको अपने एक दूसरे को समझने में, एंड नो ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, ही विल डू इट. The farm that she has, that was already there before the house started, we built the house. So there was a small piece of land at the end which was not cultivated and there were trees around. So she was quite clear on the fact that she loves the garden. So house was just a medium, a way that she could live in her garden. I think mud is a very versatile material to work with. So mud has been used in different geographical regions according to the kind of mud that is available and the context around it. Faridabad, any little breeze that you can get inside the house is welcome. So that's why we built the house in a plus shape where all the spaces have at least 2 to 3 sides open and mud walls are breathable. They regulate the humidity. We use this adobe construction, which is sun-dried bricks. So you make bricks in a mold and let them out to dry. You don't fire them. So the foundation was with stone and the soil that we dug out from the trenches filled back in. All the living spaces are in adobe. So volumetrically, about almost 60% to 70% of the house is built in mud. लाइक शुरू में जो था कि मैं अपने सारे की मेरी नीड्स क्या हैं घर के साथ में, मैं घर को कैसे देखती हूँ कि जिस घर में मैं रहना चाहती हूँ वो घर कैसा होना चाहिए, तो उसने मुझसे वो जानकारी सबसे ज़्यादा ली. सो लाइक मेरे लिए बड़ा घर होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा स्पेस सारा दिन तो अपने या तो वर्क स्पेस पे होते हैं या काम वाम पे कहीं होते हैं तो इतना यूज़ नहीं करते. बट तो यहाँ पे मुझे आउटडोर सिटिंग का एरिया ज़्यादा चाहिए था, ये एक उसको था कि भाई बाहर बैठे रहें कोई फ़र्क नहीं है, घर बड़ा मत बनाओ छोटा बनाओ, कॉस्ट भी कवर होगा बट ग्रीन बेल्ट हमारी ग्रीन जगह ज़्यादा होनी चाहिए.
आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने बाहर की जो पूरी दीवारें हैं, ये हम लोगों ने पूरी मठ से बनाई हुई है। एंड इवन जो इसमें ब्रिक यूज हुई है वो भी रॉ मड है, उसको फायर ब्रिक नहीं है वो। और स्पेशल हमने सांचे बनाए थे, ये देखो यहाँ लगे हुए, इसमें हमने अपनी ब्रिक्स बनाई थी और ये अब हमने दीवार में ही लगा दिया है। और ये हमारा बेसिकली नॉर्थ फेस ओपन एरिया है, जो मोस्टली समर के समय में बहुत यूज़ होता है ये हमारा एरिया। और ये किचन एरिया हमारा खुला, तो यहाँ पे भी सारा किचन एरिया भी हमने और लिविंग एरिया भी पूरा मट का रखा है। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी ब्रिक, फायर ब्रिक जो होती है, और सीमेंट को यूज़ किया है ताकि टॉयलेट और यहाँ पे जहाँ ज़्यादा फंक्शनिंग है वहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेंस का हमारे को प्रॉब्लम ना आए। एंड ये बेडरूम है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ विंडो हैं ताकि वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो सके। एंड देन साउथ की तरफ विंडो जो होने से पूरा लाइट बहुत अच्छी आती है, तो घर में कभी भी दिन के समय हमें लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्टडी है और ये नॉर्थ फेसिंग है, तो गर्मी में भी धूप नहीं अंदर आती है, तो पूरा हवा काफ़ी अच्छी, वेंटिलेशन यहाँ से बहुत अच्छा होता है, हवा बहुत अच्छी आती है। हम लोगों ने यहाँ घर में बिल्कुल भी अटैच बाथरूम और अटैच टॉयलेट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, क्योंकि जितने आप अटैच बाथरूम और अटैच टॉयलेट बनाते हो उसमें उतना ही आपका वर्किंग में खर्चा जाता है। सो यहाँ पे ओपन बाथरूम रखा है हमने, इसलिए कि जो भी हमारा सारा वाटर है वो अंडरग्राउंड जाता है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारी ये बनाना ट्रीज कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बनाना ट्रीज की खासियत यही है कि उनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है पनपने के लिए, और खूब सारे यहाँ से हमको केले मिलते रहते हैं। तो हमने घर बनाते हुए एक बहुत जरूरी चीज़ का ध्यान रखा कि वेंटिलेशन बहुत होना चाहिए, जिससे कि एसी और कूलर वगैरह का कम इस्तेमाल हो। एसी तो हम करते ही नहीं, अब इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया। वेंटिलेशन जब बनाना है तो ठंडी हवा को आने की जगह देनी होती है और गर्म हवा को निकलने की जगह देनी चाहिए होती है, तभी जो आपका जो घर है वो टेम्परेचर उसमें ज़्यादा बनता नहीं है। तो ये यही वही है, नीचे की खिड़की ठंडी हवा अंदर ला रही है एंड देन द वेंटिलेशन अप, गर्म हवा वहाँ से निकल रही है, तो ये पूरा सर्कुलेट होता रहता है ठंडी हवा और गर्म हवा का पूरा सिस्टम। सबसे मेन चीज़ है ये ड्राई टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट का मतलब है कि जहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल, फ्लश सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जस्ट अ होल, उस पर हमने सीट ऐसी सिर्फ खाली ये सीट लेके ऐसे रख दी है, कुछ नहीं है उसमें। और नीचे एक बॉक्स है, इसी में ह्यूमन वेस्ट जाता है, और हमारे पास में सिर्फ सूखे पत्ते, लकड़ी का बुरादा और मिट्टी, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं जो कि इसको सोक करे, जो उसमें नमी होती है उसको सोक करने की ज़रूरत होती है, जो एक्सेस वाटर है अगर वो सूख जाता है तो वो एक बहुत अच्छा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है आफ्टर एक साल अगर आप इस पिट को रखते हैं। इसलिए हमने दो पिट बनाए हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ आवर सेकेंड बेडरूम, ये भी पूरा अंदर का पूरा सेम कॉन्सेप्ट मड ब्रिक के साथ में है, और बाहर का हमारा स्पेस जो है वो ब्रिक का है। तो दिस इज, ये हमारा ओपन टेरेस है, तो हमारी छत सबसे ज़्यादा यूज होती है, सारी गेट टुगेदर हमारे जो दोस्त दोस्त आते हैं हम यहीं बैठते हैं, मतलब घर का एक बहुत ही सबसे यूजफुल एरिया है ये हमारा। ये लोकल स्लेट है, यहीं पे जो अरावली के पास में जो मिलती हैं ये। सो ये बेसिकली वही रीज़न क्या है कि एक तो गर्मियों में जब इस पर धूप पड़ेगी ऊपर से, अभी सर्दियों में आपकी स्ट्रेट धूप पड़ रही है, तो गर्मियों में जब ऊपर से धूप पड़ती है तो ये स्ट्रेट धूप इस पर आने से रुकती है दीवार के ऊपर में, तो दीवारें गर्म नहीं होती। दूसरा, मानसून के टाइम पे पानी एकदम सीधा नहीं गिरता है ये, तो उससे क्या होता है, ये प्लास्टर आपका निकलता नहीं है, तो पानी रुक के गिर के ऐसे जाएगा, सीधा स्ट्रेट उसमें नहीं होगा। अमोल को पता था कि मुझे बर्ड्स वगैरह बहुत पसंद आती हैं, तो कीप दिस फॉर नेस्टिंग, तो इसमें काफ़ी सारी चिड़िया वगैरह जब नेस्टिंग का टाइम होता है बनाना शुरू कर देती हैं नेस्टिंग करना। तो बैक साइड नॉर्थ में है तो वो समर में काम आता है, ये विंटर के समय पे ज़्यादा, तो मोस्टली हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं ओपन में बैठने की, घर में दिन के समय काम होते हैं और रात में घर में होते हैं। जो ये घर हमने बनाना शुरू किया था तो हम लोग लो बजट भी रख रहे थे, और अगर ऐसे ही घर जो नॉर्मल आर्किटेक्ट बनाते हैं या जो बिल्डर्स बनाते हैं, आई थिंक डबल से भी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती वो। अगर ये मुझे समझिए 15 लाख का पड़ा है तो वो मुझे कम से कम 30 लाख से 35 लाख का पड़ता है। उसमें रीज़न है कि जैसे आपके, अब मेरे, आप मेरे टॉयलेट में जाएंगे तो जस्ट एक सीट इंस्टॉल है वहाँ पे और कुछ नहीं है,
दूसरा होता तो प्रॉपर आपको अपना पूरा सीवेज सिस्टम लगाना पड़ता, आपको फ्लश सिस्टम लगाना पड़ता, आपको नल दूसरे तरीके से लगाने पड़ते, वो सब चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो जाती। देन हमारे घर में कहीं प्लास्टर का खर्चा नहीं है, मिट्टी की लिपाई है, वो लेबर तो प्लास्टर की लगती लगती पर प्लास्टर का खर्चा सारा बच गया क्योंकि उसमें, और वाइट वॉश का खर्चा हमारा एकदम डाउन हो गया। ऐसी और जगहों पे भी जहाँ पे जैसे फ्लोरिंग हमारी मटकी है, अगर हम टाइल्स की करते वो खर्चा बढ़ जाता हमारा, हमारे घर में टाइल्स कहीं यूज़ नहीं हुई है तो वो खर्चा हमारा बच गया। नहीं तो आजकल सारा टाइल्स वगैरह लगाते हैं पूरे घरों में, बाथरूम में भी, किचन में भी, हर जगह टाइल्स वगैरह लगती हैं। इंसुलेशन दीवारें मोटी होने की वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है लाइक एसी, बिजली, ये सब जो आएगा वो टोटल कट डाउन हो गया हमारा। तो हमारा घर इट्स नॉट कि वन टाइम में कम पड़ा है, लॉन्ग इफेक्ट में भी बहुत ही कम है। ये मेरा पहला डॉग था चंदू एंड देन बिल्लू। सो माई चिल्ड्रन फ्रॉम जो करम बाग में है बच्चे, उन्होंने बना के मुझे दिया था जब इनकी डेथ हो गई थी दोनों की, तो दे आर हेयर विद मी। वन ऑफ द लर्निंग्स फ्रॉम दीदी वॉज दैट द हाउस शुड बी लाइक अ सेट वेयर life can take place, so it should blend as much as possible. It shouldn't stand out. The house shouldn't be an identity in itself. It should just provide a space for that person's life to happen. The definition of sustainability that I was taught by Didi is you do whatever is possible from your side and then a little more. So that is what sustainability is. There's no one end goal, there's no one way to do it. There's always a spectrum. फर्स्ट ये कि हम लोग नवंबर में शिफ्ट हुए थे, तब हमारा बेडरूम और विंडोज बन रही थी तो मैं ऊपर वाले बेड पे लेटी हुई थी एंड द होल नाइट द सन वो मून लाइट उस पर बेड पे आती रही, तो दैट वाज रियली वंडरफुल। एंड देन आई वेक अप लाइक अर्ली, मैं जल्दी उठ जाती हूँ पर उस दिन और ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, तो वो जो अचानक चिड़ियाँ आने लग गई और सब, एक पूरा एक अपने आप में एक पूरा जैसे एक सिटी लाइफ चलती है तो एक ये नेचुरल लाइफ जो यहाँ पे आसपास चल रही थी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है उसको ऑब्जर्व करने में लग रहा था यार इट्स लाइक अ रियली गुड डिसीजन आई मेड माई लाइफ।